का प्लॉट साइज 22x55 फिट का है। इसकी स्क्वायर फिट में बात करें तो यह 1210 और 134 गज का ये प्लॉट है। और दोस्तों जो इसकी बाकी की डिटेल्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होंगी, आप इस वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके उनको आप आराम से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसका 2D लेआउट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये प्लान पेड है, जो इसके पेमेंट्स के ऑप्शन है वो भी आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छे कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। हम जब अपने हाउस में एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेते ही सामने आपको एक अच्छा खासा पार्किंग एरिया देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर अपनी एक बड़ी कार आराम से खड़ी कर सकते हैं और आपको फ्रंट में ऑफसेट देखने को मिल जाएगा। आप इस जगह को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, आप यहां पर पेड़ पौधे जो चाहें आप यहां लगा सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए अभी हम एंट्री ले चुके हैं हमारे हाउस के लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया में। आप देख सकते हैं ऊपर आपको लॉबी यहां पर डुप्लेक्स देखने को मिल जाती है। अगर आप चाहें तो आप इसको डुप्लेक्स ना करके आप इसको ऊपर फैमिली लाउंज भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर काफी ओपन स्पेस देखने को मिल जाता है। तो लिविंग एरिया में आपको अटैच किचन भी मिल जाएगा, आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। आपको हमारे हाउस के हर एक चीज का एक अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है, हमने इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट किया है। और दोस्तों अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो हमने हाउस को बजट में रखा है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम आपको लेकर चलते हैं हमारे हाउस के कॉमन टॉयलेट की तरफ, जो आपको लिविंग एरिया में अटैच देखने को मिल जाता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारे हाउस के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। आप इसका बैक वॉल डिज़ाइन देख सकते हैं, आपको बैक वॉल में वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, आप इसकी सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। और दोस्तों आपको साइड में एक वार्डरोब एडजस्ट करके सामने आपको एक टीवी यूनिट भी देखने को मिल जाता है। अगर आप सामने देखें तो सामने आपको एक OTS देखने को मिल जाएगा, और इसी OTS से आपके दोनों टॉयलेट्स की वेंटिलेशन होती रहेगी और इसी रूम की भी आपको वेंटिलेशन यहीं से होती हुई मिलेगी। इससे आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं हमारे हाउस के सेकंड बेडरूम की तरफ। आपको बीच में एक छोटा सा पैसेज देखने को मिल जाएगा और इससे आगे आपको हमारा सेकंड बेडरूम देखने को मिल जाता है, और इस बेडरूम के साथ स्टोर अटैच देखने को मिल जाएगा और एक आपको टॉयलेट अटैच देखने को भी मिल जाता है। हाँ तो दोस्तों इससे आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आप देख सकते हैं हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हमने लॉबी हमने इसमें ड्यूप्लेक्स रखी है। अगर आप इसको ड्यूप्लेक्स ना रखे आप ऊपर यहाँ पर फैमिली लाउंज भी बना सकते हैं, और वो आप पर डिपेंड करता है।
हाँ जी दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं, हम मिलते हैं आपको एक नई अच्छी वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अच्छी वीडियोज आपको यही मिलेंगी। नमस्कार।